सपोज करो आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक, हम ब्लॉक्स के प्रॉब्लम आज सॉल्व करने वाले हैं। सपोज करो आपके पास एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास मान लो 5 kg है और यहां फ्रिक्शन गिवन है, म्यू एस की वैल्यू मान लो 0.5 है और म्यू के की वैल्यू 0.4 है। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या ये बॉडी अपनी जगह, इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है बताओ, इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है? आंसर क्वेश्चन नंबर वन, बोलो कितनी, हाँ जी बोलो, कैसे कैलकुलेट करेंगे ऑनलाइन? म्यू एस इनटू एन। कृतिका कोई आइडिया? नहीं सर, म्यू एस इनटू एन होना चाहिए। अच्छा ओके, बोलो म्यू एस इनटू नॉर्मल रिएक्शन 5G है, ये आंसर है, ये आंसर मार्क करेंगे या ये मार्क करेंगे फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इनटू 5G, बोलो फर्स्ट की सेकंड? सर वो डिपेंड करता है ना कि हमें फोर्स दे रखी है कि नहीं, वो डिपेंड करता है हमें फोर्स दे रखी, पर मैंने फोर्स क्या लगाई बोलो, जीरो, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, जीरो, जब हिलाया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं क्वेश्चन में, तो फ्रिक्शन कहां से लाओगे? पॉइंट नंबर वन क्लियर, पॉइंट नंबर वन क्लियर, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी, जीरो। ये बिल्कुल वही केस है, अगर आप ये कैलकुलेट करते हैं तो मान लो म्यू एस की वैल्यू पुट करके 0.5 × 5 × 10 आपके पास आंसर मान लो कितना आता है, 2.5, अच्छा ठीक है 25, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है, अगर इस बॉडी को हिलाने के लिए 25 न्यूटन की फोर्स चाहिए, आपने तो कुछ ना लगाया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो, अगर आपने 1 न्यूटन लगाया, 1 न्यूटन, तो बोलो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी, 1, 2 लगाया तो 2, 3 लगाया तो 3, डन हो गया, ठीक है। ये आपको प्रॉब्लम समझ में आती है, मैं प्रॉब्लम चेंज कर रहा हूं, प्रॉब्लम है सपोज ये आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक, इसके ऊपर एक और ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास है m1, इस ब्लॉक का मास है m2। मेरा पहला क्वेश्चन, इस सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा बॉडी का बताओ, इस सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन क्या है, यहां पे जो भी नॉर्मल रिएक्शन होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, कितने लोग बोलते हैं m2g, कितने बोलते हैं m1g और कितने बोलते हैं m1 + m2g, बोलो ऑनलाइन क्या बोलते हो सर, m2g। देखो मैं यहां खड़ा हूं, मेरा वेट 80 न्यूटन है, नॉर्मल रिएक्शन 80 न्यूटन है, किसने लगाया, इस ग्राउंड ने लगाया, किसने मेरे को बताया इस फ्लोर के नीचे एक और फ्लोर भी है उसका मास भी है, फिर किसी ने कहा उसके नीचे एक और फ्लोर है उसका मास भी है, फिर किसी ने कहा उसके नीचे अर्थ भी है उसका मास भी है, अर्थ के नीचे एक बॉक्स पड़ा हुआ है उसका मास भी है। भाई मैंने कहा मैंने क्या ले रहा यार, मेरा तो ग्राउंड यही है, मेरे को क्या लेना कि मेरे नीचे क्या है, मेरे को ये पता है कि मैंने अगर यहां पर m2 ने यहां पर फोर्स m2g लगाई तो नॉर्मल रिएक्शन यहां पर क्या होगा m2g, फिर नॉर्मल रिएक्शन यहां पे क्या होगा, अब यहां पे जोर क्या लग रहा है, फोर्स m1 + m2g, नॉर्मल रिएक्शन यहां पे क्या लगेगा, m1 + m2 × g, कोई डाउट इसमें, ठीक। अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं और क्वेश्चन के अंदर ये पूछूं कि ये एक ब्लॉक है, ये दो ब्लॉक है, ये तीन ब्लॉक है, और सपोज ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे कितना है, M3G, ये ना नॉर्मल रिएक्शन N1, यहाँ पे कितना है, M2 + M3 × g, ये नॉर्मल रिएक्शन है, और ऐसी नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे कितना है, M1 + M2 + M3 × g, क्या ये स्टेप सबको क्लियर है, ठीक है काम आएगा। अभी मेरा अगला क्वेश्चन है, सपोज करो ये एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक एक स्मूथ सरफेस के ऊपर है, कोई फ्रिक्शन नहीं है ग्राउंड के बीच में, इसके ऊपर एक और ब्लॉक है, एक और ब्लॉक है, सच दैट
यहां फ्रिक्शन है, यहां फ्रिक्शन है, मैंने इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाई एफ, एफ। अब जब मैंने एफ फोर्स लगाई तो दो केस हो सकते हैं। पहला केस, ये बॉडी ऊपर वाली बॉडी काफी तेजी से आगे मूव करे अगर फोर्स ज्यादा है, और साथ में इसको भी लेके जाए क्योंकि फ्रिक्शन है, चिपके हुए हैं फ्रिक्शन की वजह से, दोनों इकट्ठे मूव करें और सेपरेट ना हो। कैसे? मैंने ऐसे फोर्स लगाई कि ये जो दो बॉडीज हैं, दो बॉडीज हैं स्मूथ सरफेस के ऊपर, इकट्ठे मूव करें कुछ ऐसे, सेपरेशन ना हो इनका। पर ये भी तो हो सकता है, मैंने एक ऐसी फोर्स लगाई सच दैट ज्यादा लगा दी, ये आगे गया लेकिन ये कुछ ज्यादा ही तेज लग गया, फ्रिक्शन यानी कि कमजोर थी, मेरी फोर्स ज्यादा थी। समझ इस बात को, पहले केस में फोर्स मैंने बहुत थोड़ी लगाई, दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं यानी कि सेपरेशन नहीं हुई, दूसरे केस में फोर्स मैंने ज्यादा लगा दी तो ये भी चलेगा साथ साथ, लेकिन ये तेज चलेगा और गिर जाएगा, ऐसे ही होगा। क्या ये ऑनलाइन क्लियर है? दो केस हो सकते हैं। Yes, मतलब या तो इनकी सेपरेशन होगी या इनकी सेपरेशन नहीं होगी, कैसे डिसाइड करेंगे? क्या डिसाइडिंग फैक्टर है? म्यू, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? नहीं, ग्राउंड तो स्मूथ है, सेपरेशन यहां से होनी है, तो यहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कोई अगर यहां क्विक फिक्स लगा के बैठ जाएगा, फेविकोल लगा के बैठ जाएगा, जबरदस्त फ्रिक्शन कर लेगा, फिर तो मैं फोर्स बढ़ा भी दूंगा तब भी दोनों इकट्ठे मूव करेंगे, पर अगर कोई बीच में ऑयल डाल देगा तो फिर मैं अगर हल्की सी फोर्स भी लगाऊंगा तो भी सेपरेट हो जाएगा। तो पहला फैक्टर क्या है? इनके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और दूसरा अप्लाइड फोर्स, मैंने कितनी फोर्स अप्लाई की। तो सारा कॉम्पिटिशन दो ही चीजों का है, कितनी फोर्स अप्लाई की और यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है, राइट? केस दो ही बनेंगे, या तो ये इकट्ठे मूव करेंगे या ये इकट्ठे मूव नहीं करेंगे, अलग अलग वेलोसिटी से या एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। अगर ये इकट्ठे मूव करेंगे, चिपक के मूव करेंगे, फ्रिक्शन यानी कि काफी ज्यादा है इसके बीच में, ये सेपरेट नहीं हो पाए, मेरी फोर्स कमजोर है, तो ये इन दोनों की एक्सेलरेशन ए ही रहेगी, सेम एक्सेलरेशन है। और अगर ये सेपरेट होंगे तो ये दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव करेंगे और थोड़ी देर के बाद पहला ब्लॉक जो है दूसरे ब्लॉक से अलग हो जाएगा, ठीक है? या तो क्वेश्चन में आपको मेंशन करके देगा कि भाई इकट्ठे मूव कर रहे हैं, तो आपकी हेडेक खत्म, आपको चेक ही नहीं करना, फिर तो इकट्ठे मूव कर रहे हैं तो दोनों की एक्सेलरेशन ए ले लेनी है। या फिर वो कहेगा कि इनके बीच में सेपरेशन है, इनके बीच में सेपरेशन है, यानी कि ये तेज चलेगा और ये स्लो चलेगा, यानी कि फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है, ये दूसरा केस है। अगर वो कोई भी क्वेश्चन पूछने वाला आपको ये चीज बता देता है तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है आपके लिए, क्योंकि अगर इनकी सेपरेशन नहीं होगी तो इस बॉडी से पूछो तो सही कि क्या तू मूव कर रही है कि नहीं कर रही, बोलो कर रही है कि नहीं कर रही, कि कर रही है कि नहीं कर रही, कुछ तो बोलो यार जोर की, कर रही है नहीं कर रही, वो तो आप कह रहे हो, अर्थ पे बैठे हो, पूरा सीन देख रहे हो, ये तो ना कहेगी। तुम अगर मान लो किसी शिप पे बैठ जाओगे और आराम से बैठ के चाय पी रहे हो तो क्या बोलोगे दुनिया को, मैं तो रेस्ट पे हूँ भाई, आराम कर रहा हूँ, ये तो नहीं कहोगे मैं भाग रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए ग्राउंड कौन है, यही है। और जब ये दोनों इकट्ठे मूव करेंगे तो ये क्या बोलेगी, मैं इसके ऊपर किस पे हूँ, एट रेस्ट पे हूँ। लेकिन जब इनके बीच में स्लाइडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होना, ये समझ रहे हो, रिलेटिव मोशन, एक का तेज एक का स्लो चलना, घिसटना, स्लाइड करना, स्लाइडिंग हो रही है अगर इनके बीच में, फिर यानी कि ये बॉडी मोशन में है। और कौन सी फ्रिक्शन रोल प्ले करेगी? काइनेटिक। अगर ये सेपरेट होते हैं तो घिसटते हैं, स्लाइड होती है, तो कौन सी फ्रिक्शन रोल प्ले करेगी? काइनेटिक। और अगर ये इकट्ठे मूव करते हैं तो ये बॉडी इसके रिस्पेक्ट में किस पे है, एट रेस्ट, तो कौन सी फ्रिक्शन रोल प्ले करेगी? स्टैटिक। तो यानी कि दो केस होंगे। पहला केस क्या होगा? या तो ये सेपरेट होंगे या ये सेपरेट नहीं होंगे, ठीक है? तो अगर ये सेपरेट होंगे तो स्लाइडिंग होगी, तो कौन सी फ्रिक्शन है? काइनेटिक। सिंपल। तो आंसर में क्या लिखेंगे? कौन सी फ्रिक्शन अपना काम कर रही है? काइनेटिक। और अगर ये सेपरेट नहीं होते, ये एक बॉडी की तरह मूव करते हैं, तो कौन सी फ्रिक्शन आंसर होगी? स्टैटिक। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है?
यस सर, ठीक है, तो यानी कि आंसर में या तो काइनेटिक या स्टैटिक। अब ये फैसला करते हैं कि मान, दो दो केस लेते हैं, मान लो मैंने क्वेश्चन पूछने वाले ने आपको बता दिया, आपसे पूछा नहीं कि सेपरेट होंगे कि नहीं होंगे, दो केस बना दिए कि अगर ये सेपरेट नहीं होंगे तो बोलो फ्रिक्शन कितनी है, ये पहला क्वेश्चन है, तो फ्रिक्शन कितनी है, और अगर ये सेपरेट होंगे तो बोलो अब फ्रिक्शन कितनी है, तो ऑब्वियसली इसके पैर में क्या आएगा, काइनेटिक। ये दो क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही होगा। देखो पेपर में आएगी क्या, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालनी, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या तो स्टैटिक आएगी या काइनेटिक आएगी, वो डिपेंड करेगा सेपरेशन होगी या सेपरेशन नहीं होगी। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि सपोज करो इनकी सेपरेशन नहीं होगी, ठीक, मेरा क्वेश्चन है इनकी जो सेपरेशन है वो मान लो नहीं होगी, तो मैं केस बना रहा हूं, द बॉडीज, केस नंबर वन, या ब्लॉक्स ऐसे लिख लेते हैं, केस नंबर वन में ब्लॉक्स विल नॉट सेपरेट, ठीक है, नॉट सेपरेट का मतलब कौन सी फ्रिक्शन रोल प्ले करेगी, स्टैटिक, ठीक है जी, करें स्टार्ट। तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड फाइंड स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ऑनलाइन क्लियर है हम क्या करने जा रहे हैं। यस सर, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको सपोज म्यू की वैल्यू दे दी, इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको म्यू की वैल्यू दे दी, यहां पर म्यू एस गिवन, म्यू के गिवन दे दूंगा, तो बताओ इनके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन है, कितने लोग एग्री करते हैं, आंसर आएगा एफ इज इक्वल टू म्यू एस इंटू, इसका मास है एम वन, इसका मास है एम टू, तो यह नॉर्मल रिएक्शन क्या है, एम वन जी, म्यू एस इंटू एम वन जी ये, और कितने लोग एग्री करते हैं कि आंसर आएगा म्यू के इंटू एम वन जी, कितने लोग फर्स्ट ऑप्शन के साथ हैं, हाथ खड़ा करो, कितने सेकंड के साथ हैं, सेकंड कैसे हो सकता है, सेपरेट नहीं हो रही, स्टैटिक है, आप काइनेटिक तो आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको चाहिए ही नहीं काइनेटिक, सेकंड तो नहीं है, अच्छा कितने लोग कहते हैं फर्स्ट आंसर सही है, ऑनलाइन फर्स्ट की सेकंड, तो डिपेंड नहीं करना चाहिए फोर्स पे। बस यही तो सुनना चाह रहा था मैं, फोर्स पे डिपेंड करना चाहिए भैया, ये तो क्वालिफाइंग कंडीशन ही तो हो नहीं सकती, ये जो फ्रिक्शन है ना ये तो ये बताएगी कि इनकी सेपरेशन होगी या सेपरेशन नहीं होगी, ये तो बस इतनी सी चीज बताएगी, तो मान लो इस इसमें म्यू एस की वैल्यू दे दूंगा, एम वन दे दूंगा, जी दे दूंगा, मान लो इसको सॉल्व करके आंसर 10 न्यूटन आता है, मान लो कुछ वैल्यू तो दूंगा ही ना 10 न्यूटन, तो यानी कि इनको सेपरेट करने के लिए कम से कम फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी, 10, पर मान लो मैंने लगाई 2, तो फ्रिक्शन की वैल्यू 10 थोड़ी ना है, फ्रिक्शन कितनी होगी 2, ये पुराना क्वेश्चन बन गया फिर से, स्टैटिक है ना, स्टैटिक सेल्फ एडजस्टिंग है और ये डिपेंड करती है आपने कितनी फोर्स लगाई, तो ये फ्रिक्शन का आंसर तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ चेक करता है कि सेपरेशन होगी या सेपरेशन नहीं होगी, तो इसने क्या चेक करके बताया, कुछ भी नहीं बताया, अगर मैं इनकी वैल्यू दूंगा तो बस ये यही बता रहा है कि 10 न्यूटन की फोर्स अगर सॉल्व करके आती है, अगर आपने ऊपर पे फोर्स, बॉडी पे फोर्स 2 लगाई तो 2 न्यूटन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये नहीं है, 3 लगाई तो 3 है, 4 लगाई तो 4 है, 5 लगाई तो 5 है, 10 लगाई तो 10 है, पर अगर आपने 11 लगाई तो इनकी सेपरेशन होगी, और अगर सेपरेशन होगी तो आंसर फिर क्या बनेगा, काइनेटिक, फिर स्टैटिक का कोई काम नहीं है इसमें, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है। ठीक,
तो इस केस में अगर आप ये सोचते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन आंसर होगा, देखो ये मैक्सिमम टाइम आपका आंसर कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वो क्या करता है, ये कंडीशन सिर्फ ये चेक करती है सेपरेशन होगी कि नहीं होगी। अब उसने आपने ठीक बोलना ऑनलाइन डिपेंड करता है कि आपने फोर्स कितनी अप्लाई की। अगर मान लो इसको सॉल्व करके आंसर 10 न्यूटन आ रहा है और आपने फोर्स सिर्फ 0.5 अप्लाई की तो इनकी सेपरेशन हो ही नहीं सकती, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 0.5 काउंट होगी। ठीक है यहां तक? तो इसका मतलब कि इस केस में आप अगर ये सोच रहे हैं कि इसको 10 न्यूटन मैंने फोर्स, मान लो मैंने जो वैल्यू दी, इन वैल्यूज की हेल्प से आपने ये बता दिया कि 10 न्यूटन की फोर्स चाहिए इनको क्या करने के लिए, सेपरेट, राइट? मैंने फोर्स क्या लगाई, 0.1 न्यूटन। बोलो इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगी, 0.1 न्यूटन। बोलो ऑन कृतिका कितना, 0.1 न्यूटन? यस सर। गलत। आप कहोगे कैसे, हाँ हाँ मैं सबके फेसेस देख रहा हूं। अब ये क्या है, ये क्या कहानी है यार, अभी तो ठीक चल रहा था और हमने क्वेश्चन किया भी, आज के इस क्वेश्चन से पहले मैंने आपको क्वेश्चन करवाया ना, मैंने खुद आपको क्वेश्चन करवाया जिसके अंदर मैंने आपको कहा था कि सपोज आपके पास ये एक बॉडी है, इस बॉडी, ये बॉडी ग्राउंड के ऊपर है मैंने कहा था, और मान लो ये म्यू एस की वैल्यू मैं आपको दे देता हूँ, और मान लो मैं आपको एम भी दे देता हूँ, और सपोज करो मैंने पूछा था कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी है, तो आपने बोला था म्यू एस इंटू एम जी से हम निकाल लेंगे, और मान लो तीनों वैल्यू देता हूं आंसर 10 न्यूटन आता है, तो इस बॉडी को स्टेशनरी अर्थ ग्राउंड से सेपरेट करने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड है 10 न्यूटन, और मैंने कितनी लगाई, 0.1 न्यूटन, तो बोलो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी काउंट होगी, 0.1 न्यूटन। सही कि गलत? सही, आंसर सही। आप बोलोगे यार यहां सही, लेकिन जब मैं यहां पे सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ये 10 न्यूटन से सेपरेट होंगे और मैंने लगाई 0.1 न्यूटन, फिर आंसर 0.1 न्यूटन नहीं है। डिफरेंस है दो केस में, क्या डिफरेंस है, दूसरे वाले केस में ग्राउंड स्टेशनरी था और पूरा स्टेशनरी था, इसके अंदर दोनों ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, राइट? तो ऑनलाइन समझ में आ रहा है दोनों में क्या फर्क है? तो केस नंबर वन, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आता है फिर आप अपने पुरानी टेक्निक पे से ही आंसर दें कि हिलाने के लिए 10 न्यूटन चाहिए, हमने लगाई 0.1 तो आंसर 0.1 ही है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं आता, और आपको क्वेश्चन कैसा आता है, आपको क्वेश्चन ऐसा आता है एक ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक रख दिया जाए सच दैट ये मास m2 है, ये मास m1 है, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, म्यू ऑफ एस मेरे से ले लो, म्यू के मेरे से ले लो, डन, और यहां पर मैंने फोर्स क्या अप्लाई की, F, राइट? और मैंने आपसे सिंपली एक क्वेश्चन पूछा कि आप ये चेक ना करें प्लीज, लंबा काम हो जाएगा, कि इनकी सेपरेशन होगी कि नहीं होगी। वैसे चेक करने का तरीका तो है, आप इसमें क्या चेक करेंगे, एफ मैक्स, जो कि क्या होगा इसमें म्यू टाइम्स m1g। मान लो सॉल्व करके आंसर आता है 10 न्यूटन, तो इनको सेपरेट करने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड कितनी है, 10 न्यूटन। अब यानी कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके बीच में होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, F पे, ऐसे ही है। अब प्रॉब्लम देखो कहां पर है, तो मेरा आंसर ये 0.1 न्यूटन क्यों नहीं आया, फोर्स अप्लाइड क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं तो कह रहा हूं कि सेपरेशन नहीं होगी, जो स्टैटिक फ्रिक्शन का केस है। आपको अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है जिसमें ब्लॉक्स के ऊपर ब्लॉक्स इकट्ठे मूव करते हैं और आपको पता है कि सेपरेशन नहीं होगी एंड दे विल मूव एज अ वन बॉडी, ये एक बॉडी की तरह ही मूवमेंट करेगा, तो आपने जब यहां पर फ्रिक्शन को कैलकुलेट करना है यहां पे, तो आपको नहीं पता इसमें क्या फ्रिक्शन है। आपने कॉन्टैक्ट फोर्स सुनी है, लास्ट टाइम की थी, दो कॉन्टैक्ट फोर्सेस लगती हैं एक बॉडी के ऊपर, एक वेट, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स है। जब ये बॉडी चल रही होंगी इकट्ठी, तो आपने कुछ नहीं करना, इनके बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स निकाल देनी है, वही फ्रिक्शन है। अब कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे निकलती है, जब आप इस ऑब्जेक्ट को आगे लेके जा रहे हैं तो इसके ऊपर फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगी, पीछे, स्टैटिक एफ पता नहीं कितनी, और बाय रिएक्शन
इसके ऊपर फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगी, आगे ऐसे एफ एंड एफ, दिस एफ इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। मुझे पता नहीं इसकी कितनी वैल्यू है, पर इतनी पता है कि इससे तो कम से कम कमी आएगी, मैक्सिमम स्टैटिक तो नहीं है, या इसके इक्वल आएगी या इससे कम आएगी। समझ में आ रहा है? तो आपने क्या करना है इसका, अब आपने ड्रॉ करना है फ्री बॉडी डायग्राम। तो जैसे दो ब्लॉक्स आपने बनाने हैं अलग अलग, एक मास m1, एक मास m2। m1 के ऊपर बोलो कितनी फोर्स एक्ट कर रही है यहां पे, F, आगे की तरफ, और पीछे की तरफ कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, स्मॉल f, F स्मॉल f, और m1 जा कहां रहा है, आगे विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ a। बन गया फ्री बॉडी डायग्राम। m2 का फ्री बॉडी डायग्राम में F फोर्स कहां एक्ट कर रही है, आगे, और ये जा कहां रहा है, आगे, राइट। तो आपने क्या करना है, आपने इस केस में इसकी इक्वेशन बनानी है, क्योंकि आगे जा रहा है, F बड़ा है, छोटा F छोटा है, मीन स्मॉल फोर्स है m1 into a, और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, F इज इक्वल टू m2 into a, कैंसल। तो F की वैल्यू क्या आ गई, m1 m2 into a, तो एक्सेलरेशन क्या आ गई। अब ये तो आपको पता ही है, अगर दो ब्लॉक्स इकट्ठे मूव कर रहे हैं, समझो ए की ब्लॉक है m1 plus m2 का, तो टोटल फोर्स F is equal to total mass into total, यानी कि मेरी क्वेश्चन सही चल रही है ना, मैंने गलत नहीं किया तभी मेरा आंसर सही आ रहा है। तो अगर ये a को मैं यहां पुट कर दूं तो F की वैल्यू क्या आएगी, m2 F m1 plus m2, दिस इज द आंसर, ये निकलेगी आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन, ये आंसर मार्क करना है ऑब्जेक्टिव में। तो रूल नंबर वन, जब क्वेश्चन में क्या आएगा, ग्राउंड आएगा, ग्राउंड के ऊपर ब्लॉक आएगा, बॉडी हिलेगी या नहीं हिलेगी कौन बताएगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट किया जाएगा, और अगर आपकी फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक से कम है वन न्यूटन तो वही आपका आंसर होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक का आ गया फिर आप ये लॉजिक नहीं लगाएंगे, अगर बॉडीज इकट्ठी चल रही हैं तो आपने इसके अंदर कॉन्टैक्ट फोर्स निकालनी है फ्री बॉडी डायग्राम से, वो आपका आंसर होगा, और वो आंसर क्या माना जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का। क्या ये ऑनलाइन क्लियर है यहां तक दो केस? यस यस। स्टैटिक फ्रिक्शन का क्वेश्चन हमेशा ब्लॉक्स के ऊपर ब्लॉक्स में फ्री बॉडी डायग्राम से ही कैलकुलेट होगा, आपको वो फंसाएगा हर क्वेश्चन में किसी भी तरीके से, कि आपको सारी वैल्यू दे देगा जानबूझ के, कि आप किसी तरीके से म्यू एस इनटू एमजी लगा दें, और करके भी आएंगे कई लोग और कहेंगे पेपर भी अच्छा हो गया मेरा। स्टैटिक फ्रिक्शन के चक्कर में नहीं पढ़ना, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम से ही बनेगा, कॉन्टैक्ट फोर्सेस से ही सॉल्व होगा, नहीं तो हो नहीं सकता। क्या ये पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब सपोज करो, ये तो एक केस हो गया, मान लो एक मिनट के लिए कि मैंने अब आपको दूसरा केस दे दिया। क्या केस दिया? मैंने कहा ले लो जी दो फिर से ब्लॉक्स हैं, एक m2 और एक m1, फिर एक बार मैंने इसके ऊपर क्या लगाई, फोर्स कितनी लगाई, F, फ्रिक्शन फिर से प्रेजेंट है। इस बार मैंने आपको क्या कहा कि म्यू एस भी ले लो म्यू के भी ले लो, दोनों वैल्यू तो गिवन ही होती है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, और मैंने आपको खुद क्वेश्चन पूछने वाले ने बता दिया कि भाई चेक करने की जरूरत नहीं, मेरे से पूछ लो, इनकी सेपरेशन होगी, इनकी सेपरेशन होगी। अगर इनकी सेपरेशन होगी, ये एक दूसरे के ऊपर घिसट के चलेंगे तो स्लाइडिंग होगी, स्लाइडिंग में स्टैटिक फ्रिक्शन का काम है ही नहीं, कौन सा फ्रिक्शन है, काइनेटिक है। तो क्वेश्चन है फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो अंडरस्टूड है कौन से फ्रिक्शन है, काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन निकालने के लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम नहीं चाहिए, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन कभी चेंज ही नहीं होती, स्टैटिक की प्रॉब्लम है, अंदर ही अंदर चेंज होती है, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, वो निकलती है फ्री बॉडी डायग्राम से, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, वो डिपेंड करती है कितनी फोर्स अप्लाई की, काइनेटिक का चक्कर ही नहीं है। जब बॉडी घिसट रही है तो सिंपल आंसर इज म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन, यहां पर कितना है एम वन जी, डन आंसर। तो यानी कि अगर बॉडी इकट्ठी मूव करती है और आपसे इनके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछ ले तो फ्री बॉडी डायग्राम, और अगर बॉडी इकट्ठी मूव करती है और सेपरेशन हो रही है एक तेज एक स्लो, तो काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसमें बस यही आंसर है।
क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर अगर हम मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालें तो क्या वो फोर्स से कम होगी? मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल लें तो ज़्यादा होगी ना, अगर सेपरेशन नहीं होगी। सर अगर सेपरेशन होगी और हाँ हम हाँ तब ज़्यादा होगी, ज़्यादा निकालें? होगी, ज़्यादा होगी। तो ओके वो सर, ये पूछ रही है अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल लें, जो कि यहाँ पर क्या आएगा, म्यू एस इंटू एम वन जी, ठीक है? तो मान लो ये आती है 10 न्यूटन, मान लो सॉल्व करके। तो वो पूछ रही है क्या ये फोर्स इसका मतलब 10 न्यूटन से ज़्यादा होगी? बिल्कुल ज़्यादा होगी, तभी क्या हो रही है इनमें सेपरेशन। तो अंडरस्टूड है ये फोर्स 10 से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि अगर 10 से कम होती तो इनकी सेपरेशन ना होती, ये स्टैटिक हो जाती। ठीक है, ये रूल समझ में आ गया। अब इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं। देखो, मैंने आपको शीट नंबर 43 में क्या बताया कि सपोज मैंने एफ फोर सप्लाई की, M1 M2 मासेज हैं, नीचे स्मूथ है, और मैंने क्या कहा, इनकी सेपरेशन नहीं होगी। तो आपने कहा ठीक है नहीं होगी तो इकट्ठे मूव करेंगे, तो कौन सी फ्रिक्शन रोल पे करेगी? स्टैटिक। सेपरेशन नहीं हो रही तो स्टैटिक। तो दोनों की कॉमन एक्सेलरेशन क्या है? ए, राइट? तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? फ्री बॉडी डायग्राम। तो अगर ये आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन पीछे है स्टैटिक, और इस पे आगे है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में M1 को अलग बनाया, F फोर्स आगे, स्मॉल F पीछे मूव कर रहा है विद A आगे, और M2 के ऊपर आगे की फोर्स है F, मूव कर रहा है विद A। तो इसकी इक्वेशन कैसी बनेगी? F माइनस F इज M1 इंटू A, इसमें F इज इक्वल टू M2 इंटू A। सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी, ए आ गया तो कहीं भी पुट करके एफ आ जाएगा। मैंने आपको केस ये करवाया, राइट? इस केस के बाद सपोज करो आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे गिवन है, फोर्टी फोर नंबर शीट में होगा, ये रहा। जैसे सपोज आपके सामने दो ब्लॉक्स हैं। अब हम पहले वेरिएबल में बात कर रहे हैं, न्यूमेरिकली बात करते हैं, बिल्कुल पक्का आंसर कैसे आएगा और न्यूमेरिकल आएंगे कैसे। वो आपको दो मासेस देगा, वो कहेगा 2 न्यूटन की फोर्स है, स्मूथ है। अब वो कहेगा कि ठीक है म्यू मेरे से ले लो, म्यू एस म्यू के, मेरे से ये मत पूछो कि ये सेपरेट होंगे या नहीं होंगे, तुम देखो होंगे कि नहीं होंगे। अगर होंगे तो आंसर, मैं क्वेश्चन पूछूंगा फाइंड फ्रिक्शन, अगर ये सेपरेट होंगे आप निकाल देना काइनेटिक फ्रिक्शन, और अगर ये सेपरेट नहीं होंगे तो आप निकाल देना स्टैटिक फ्रिक्शन। पर पहले चेक खुद कर लेना सेपरेट होंगे कि नहीं होंगे। एक काम करते हैं, चेकिंग का काम कौन करता है? म्यू एस। म्यू एस का मतलब ये अगर लिखना है तो ऐसा भी लिख सकते हो, एस के पैर में यहाँ पर क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हमें चेकिंग हमेशा म्यू एस से करते हैं। तो म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन इस सर्फेस पे क्या आएगा? 2g। तो म्यू एस इंटू 2g, म्यू एस पता है, 2 पता है, जी पता है, आंसर क्या आ गया? 10। इनको सेपरेट करने के लिए कितनी फोर्स चाहिए? 10 न्यूटन। आपने कितनी लगाई? 2 न्यूटन। इनकी सेपरेशन होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। इकट्ठे मूव करेंगे, अगर इकट्ठे मूव करेंगे तो कौन सी फ्रिक्शन आंसर, स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक। और स्टैटिक निकालने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम। तो 2 न्यूटन फोर्स आगे फ्री बॉडी डायग्राम में, दे विल मूव टुगेदर, क्योंकि 2 न्यूटन 10 से कम है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्योंकि इसके ऊपर फोर्स आ गया है तो फ्रिक्शन पीछे है, तो इसके ऊपर बाय रिएक्शन आ गया है। तो 2 kg का ब्लॉक रखेंगे, 2 न्यूटन आगे, एफ पीछे, 4 kg का ब्लॉक रखेंगे तो एफ आगे, बोथ आर मूविंग विद ए, किया हमने अभी न्यूमेरिकल। इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, क्योंकि आगे जा रहा है, 2 माइनस एफ इज 2 इंटू ए,
और इसके लिए f इज इक्वल टू 4 इंटू ए. इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a और f कैन बी कैलकुलेटेड. दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. क्लियर है यहां तक? अब एक चीज और देखो, यहां पर फोर्स कितनी है? 2 न्यूटन. तो आंसर क्या आया? 4/3 न्यूटन. मान लो मैं न्यूमेरिकल चेंज कर देता हूं और यहां पर फोर्स है 3 न्यूटन. अब 3 न्यूटन अभी भी 10 न्यूटन से तो कम ही है ना, तो कौन सी फ्रिक्शन आएगी? स्टैटिक. मैं फिर से सॉल्व करूंगा, इस बार स्टैटिक फ्रिक्शन यहां पर 2 की जगह 3 के साथ सॉल्व होगी, आंसर चेंज हो जाएगा. अगर मैं ऊपर 4 करूंगा, ये 4 हो जाएगा, आंसर चेंज होगा. यानी कि फोर्स अप्लाइड पे स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को चेंज कर रही है. आप स्टैटिक का फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, आपको फ्री बॉडी डायग्राम ही करना है. तो पहला स्टेप क्लियर है? ऑनलाइन? यस सर. दूसरा, मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर फिर से सेम क्वेश्चन है. इस बार मैंने फोर्स 20 नहीं लगाई, 200 लगा दी. तो इनको सेपरेट करने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है वो कौन कैलकुलेट करेगा? म्यू एस. म्यू एस इंटू 2g 10 आ गया, पर आपने कितनी लगाई? 200. तो इनकी सेपरेशन होगी. क्वेश्चन आएगा फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. कौन सी? स्टैटिक की काइनेटिक? काइनेटिक. काइनेटिक में चक्कर ही नहीं है, कोई चाहिए ही नहीं फ्री बॉडी डायग्राम. सीधा लिखो फॉर्मूला, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इंटू 2g. आंसर आंसर 8 न्यूटन आंसर है, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड पे डिपेंड नहीं करती. तुम 200 लगाओ या 2000 लगाओ, इसने चेंज नहीं होना, इसने अपनी वैल्यू को क्या रखना है? सेम. क्या ये पॉइंट क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर. ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब वो सेपरेट होंगे ना, वो आपसे काइनेटिक फ्रिक्शन पूछेगा ही नहीं, वो आपसे पूछेगा दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन बताओ क्या होगी अलग अलग. अब वो एक्सेलरेशन पूछेगा तो आपको क्या करना है? इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन सॉल्व करके 8 न्यूटन आई है. अगर आपको एक्सेलरेशन बतानी है दोनों की, तो क्योंकि 200 न्यूटन आगे लग रही है, तो इसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन जिसकी वैल्यू कितनी है? 8 न्यूटन, वो कहां लगेगी? पीछे. और इसके ऊपर 8 न्यूटन कहां लगेगी? आगे लगेगी 8. इसमें बस फर्क यह है कि 8 8 न्यूटन आप सॉल्व कर सकते हो बाय फॉर्मूला म्यू के इनटू एमजी. फिर आप फिर से बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम. 2 kg की राइट की फोर्स है 200 न्यूटन, लेफ्ट की फोर्स है 8 न्यूटन, और मान लो इसकी एक्सेलरेशन कितनी है? a1. और 4 kg के लिए राइट की फोर्स कितनी है? 8 न्यूटन, और एक्सेलरेशन कितनी है? a2. तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? 200 - 8 इज 2 × a1, a1 आ जाएगा. और इसकी इक्वेशन a8 इज इक्वल टू 4 × a2 क्या आ जाएगा? a2 आ जाएगा. ये फर्क है काइनेटिक और स्टैटिक में. समझ में आया यहां तक? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर. तो फ्री बॉडी डायग्राम से अपने आंसर्स को निकालना है. क्वेश्चन है, ट्राई करते हो, फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स.
देखो क्वेश्चन है, 2 kg का ब्लॉक है, 4 kg का ब्लॉक है, फोर्स लग रही है 2 न्यूटन, फोर्स लग रही है 20 न्यूटन, म्यू एस म्यू के गिवन है, कह रहे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाल दो। पहली बार जब इस क्वेश्चन को देखे ना, ऐसा लगता है कि इनकी सेपरेशन होगी। अगर मैं कुछ वैल्यूज को ना देखूं, जस्ट एक आइडिया लूं, ऐसा लगता है सेपरेशन होगी, क्योंकि इसको काफी फोर्स से खींच लिया गया लेफ्ट और इसको राइट, ऐसा लगता है। लगने से कुछ होता नहीं, ये फिजिक्स है, अपने मन की इंट्यूशन पे मत जाना, कैलकुलेशन पे जाना। इनकी सेपरेशन होगी कि नहीं होगी, आप वैल्यू से डिसाइड ना करें, आप म्यू एस से पूछें। सबसे पहले क्या निकलेगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, तो म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, यहां पर क्या है 2g, म्यू एस इंटू 2g, आंसर 10 न्यूटन। इनको सेपरेट करने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है, 10, और मैंने कितनी लगाई, मैंने तो 2 लगाई है, 2 भी लगाई है और 20 भी। मैं चेक कैसे करूं, 2 न्यूटन से अगर मैं चेकिंग करता हूं कि 2 न्यूटन मैंने ऊपर पे लगाई, तो अगर आप क्वेश्चन ऊपर वाले ब्लॉक से पूछो 2 kg से, भाई तू सेपरेट होगा कि नहीं होगा, ये कहेगा देखो सेपरेट होने के लिए मेरे को फोर्स कितनी चाहिए, 10, पर मेरे को आप कितनी लगा रहे हो, 2, तो मैं तो अलग होऊंगा नहीं। फिर यही क्वेश्चन आप इससे पूछो, 4 तू सेपरेट होगा कि नहीं होगा, वो कहता है जी मैं होऊंगा, क्यों नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरे को चाहिए 10 और मेरे पे कितनी लग रही है, 20, मैं तो चला। बोलो सेपरेशन होगी कि नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्यों, नीचे से चेकिंग नहीं होगी, ऊपर वाले से चेकिंग होगी, नीचे फ्रिक्शन नहीं है। अच्छा चलो नीचे फ्रिक्शन है, अब बिटवीन दी ब्लॉक्स देखते हैं, तो 20 - 2 18 दे देते, किसमें कैसे 20 - 2 18 दे देते। अच्छा, सही बात है, हाँ मैं भी ये सोच रहा था कि क्यों ना ऐसा कर रहे हैं, 20 में से 2 गया 18, 18 से चेकिंग कर लेते हैं, नेट फोर्स 18 है ना, और सेपरेट करने के लिए फोर्स कितनी चाहिए, 10, और हमने नेट कितनी लगाई, 18, तो 18 तो 10 से बड़ी है, तो सेपरेशन होगी। गलत सर, म्यू एस तो ऊपर वाले ब्लॉक का है ना, हाँ ठीक है, तो इसलिए उसी की फोर्स लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, म्यू एस तो ऊपर बोलते रहे थे, म्यू एस तो ऊपर वाले ब्लॉक का लिया, नॉर्मल रिएक्शन तो देखो, कॉमन सेंस देखो, सोचो एक कार है, एक गाड़ी है, एक ट्रॉली है, ट्रॉली के ऊपर मैं आपको बिठा देता हूँ, ये आप हैं 2 किलो के और ट्रॉली 4 किलो की है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ कितनी, 2 न्यूटन, और ट्रॉली पे लगा रहा हूँ 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। ट्रॉली कहती है देखो मेरी टेंशन नहीं है, ना तो मैंने अर्थ से सेपरेट होना है, मैं तो ग्राउंड पे चलती जाऊंगी, तुम स्लो चलाओ, तुम 2 न्यूटन लगाओ मैं तब भी चलूंगी, स्मूथ हूँ क्योंकि नीचे स्मूथ है, तुम 1 लगाओगे मैं तब भी चल पड़ूंगी, तुम 20 लगाओ मैं तब भी चलूंगी, तो मेरे को चलने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक हो गया। गिरने का चांस किसका है, 2 kg का है, बचाना किसे है गिरने से, ट्रॉली को थोड़ी ना, ट्रॉली कहती मैं तो पहले गिरी पड़ी हूँ ग्राउंड पे, मेरे को और क्या करोगे, तो टू नीचे वाली ट्रॉली पे क्या करोगे, कुछ भी नहीं, किसको बचाना है गिरने से, ऊपर वाले, तो फिर गेम किस पे खेली जाएगी, तो नीचे जो मर्जी लगा लो, गिरना तो ऊपर वाले ने है, तो क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा, ऊपर वाले से, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन में किसका यूज किया, ऊपर वाले का, स्टैटिक फ्रिक्शन में किसकी निकाली, मैक्सिमम सेपरेशन की, ऊपर वाले की, तो इसलिए अब कंपैरिजन किससे होगा, 2 न्यूटन से, तो 2 न्यूटन 10 से कम है, तुम नीचे जो मर्जी फोर्स लगा लो कोई फर्क नहीं, 100 लगाओ, 200 लगाओ, 1 लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेपरेशन देखना है, और जो ऊपर और नीचे के बीच में ही होगा, जो कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, 2 न्यूटन, तो 2 न्यूटन 10 से कम है, सेपरेशन नहीं होगा, ये इकट्ठे ही मूव करेंगे, और अगर ये इकट्ठे मूव करेंगे कहाँ, ऐसे ऐसे 2 न्यूटन काम नहीं कर पा रहा, मूव करेंगे इकट्ठे, तो कौन सी फ्रिक्शन आंसर है, स्टैटिक की काइनेटिक, स्टैटिक, सेपरेशन तो हुई नहीं, इकट्ठे मूव कर रहे हैं एज अ यूनिट, तो स्टैटिक, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे निकलेगी, फ्री बॉडी डायग्राम, तो फिर बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम, तो इसमें क्या बनेगा, 2 न्यूटन इधर जा रहे, तो स्टैटिक एफ इधर, बाय रिएक्शन एफ इधर, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, राइट, क्लियर है यहां तक, तो फ्री बॉडी डायग्राम में 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम कहां बनेगा, इधर एफ बनेगा, इधर 2 न्यूटन बनेगा, पर मूव तो इसको 20 के हिसाब से ही करना पड़ेगा लेफ्ट, और 4 kg के ऊपर एक फोर्स राइट बनेगी, एक फोर्स लेफ्ट बनेगी, और मूव तो ये लेफ्ट ही करेगा, तो ये 2 फ्री बॉडी डायग्राम बना रखे हैं, तो
तो पहली इक्वेशन f माइनस टू इज 2a, दूसरी इक्वेशन 20 माइनस f इज 4a, सॉल्व करके f कितना आया 8 न्यूटन की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है स्टैटिक इसमें। मेथड समझ में आया सही? क्वेश्चन सोच लो इसके ऊपर। फिर करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। इस बार वो कहता है जी ये बताओ एक्सेलेरेशन दोनों ब्लॉक्स की कितनी है और रिलेटिव एक्सेलेरेशन भी बताओ। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको ए की कोफिशिएंट गिवन है वो म्यू के। इसकी बातों से समझ में आ रहा है कि ये कौन सी फ्रिक्शन यूज करने वाला है? काइनेटिक। स्टैटिक दिया ही नहीं, चलो गिवन कर लो। गिवन है मेरी तरफ से ये दोनों सेपरेट होंगे होंगे, मैंने दे दिया। तो कौन सी फ्रिक्शन रोल प्ले करेगी? काइनेटिक। अब काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू के दे दिया मैंने आपको, तो मेरे को ये बताओ कि दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन क्या होगी। रूल नंबर वन, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन है एक फोर्स आगे तो काइनेटिक पीछे, अगर ये पीछे तो ये आगे, ऐसी बनेगी काइनेटिक। और काइनेटिक की वैल्यू होगी क्या? म्यू के इंटू यहां का नॉर्मल रिएक्शन क्या है? एम जे। आगे काइनेटिक। अब एक्सेलेरेशन निकालने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम, जो एम मास है उसके ऊपर ए की फोर्स है काइनेटिक आगे की तरफ और एक्सेलेरेशन क्या है? ए वन। और जो 3m मास है उसके आगे की फोर्स 2mg और पीछे की फोर्स fk। क्लियर है? तो इसके अंदर ये आगे जा रहा है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन ए वन आ गया। इसके लिए ये भी आगे जा रहा है पर एक्सेलेरेशन डिफरेंट है, तो दिस माइनस दिस इज 3m इनटू a2 आ गया, तो आंसर आ गया a1 a2 का। फिर उसने कहा रिलेटिव एक्सेलेरेशन निकालो। रिलेटिव एक्सेलेरेशन क्या होती है? बड़ी एक्सेलेरेशन में छोटी एक्सेलेरेशन को माइनस कर दो, रिलेटिव एक्सेलेरेशन कैन बी कैलकुलेटेड। राइट? क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ठीक। अब इसमें ये प्रॉब्लम ऑप्शनल है, एडवांस की प्रॉब्लम है, आप करना चाहें तो करें। ये मैंने क्वेश्चन इसमें लिख दिया विदाउट सेपरेशन, लिख दिया गिवन है विदाउट सेपरेशन है, आपको फोर्स बतानी है क्या है मैक्सिमम। तो ये आप चेक कर लेना मैंने कैसे किया, तो आपकी मर्जी है, आप इसको चेक करना।